आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना? मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। क्या इस बार की कहानी भी एक अलग ही कहानी होगी? क्या क्या नया ले सकते हैं इस बार फिल्म मेकर? क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से फैंस को? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉली ब्रांड स्टूडियो। दोस्तों, अगर आपने मार्वल सीरीज देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा कि उसमें एक फिल्म का कनेक्शन दूसरी फिल्म से होता ही है, या बाहुबली और केजीएफ जैसे फिल्मों में भी एक फिल्म का कनेक्शन दूसरी फिल्म से था। लेकिन हमारा बॉलीवुड इस बात को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। हाउसफुल सीरीज, गोलमाल सीरीज, लव आजकल, सिंघम 2 और हाल ही में आई भूल भुलैया जैसी फिल्में इस बात का एग्जांपल है। इसमें फिल्म का नाम तो सेम है लेकिन वो पहली फिल्म से बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है। भूल भुलैया 2 में भी सब कुछ बदल दिया गया था, सिर्फ एक मंजुलिका के नाम को छोड़कर। बाकी उसकी कहानी भी अलग ही बताई गई थी और सभी किरदारों को भी बदल दिया गया था। दोस्तों, भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद फिल्म मेकर्स ने इसके पार्ट 3 को भी बनाने का फैसला ले लिया है। अब ऐसे में सोचने वाली बात तो ये है कि क्या इस बार की कहानी भी नई होगी या पार्ट 2 से कनेक्टेड होगी। दोस्तों, वैसे पार्ट 2 में कई सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब मिल सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म को एक नई कहानी के साथ ही बनाया जाएगा, क्योंकि यही बॉलीवुड की परंपरा है और ऐसे ही कई फिल्में हिट भी रही हैं। इसीलिए इस बार हमें नई कहानी ही नजर आएगी, उसमें कॉमन होगी तो सिर्फ मंजुलिका। जी हाँ, इस पार्ट 3 में आपको काफी कुछ नया देखने को मिल सकता है। जैसे इस बार मेकर्स फिल्म को नया टच देने के लिए शूटिंग लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं और राजस्थान की जगह कोई और प्लेस दिखाया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार हमें विलायती भूत जैसे कि वैम्पायर, वॉल्फ या विचेस भी दिखाए जा सकते हैं, जो मंजुलिका की मदद करने आएंगे। और कार्तिक का किरदार भी रू बाबा से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पॉसिबल है कि उन्हें इस बार कॉलेज स्टूडेंट के रूप में दिखाया जाए। अगर हम ऑडियंस या फैंस की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो उन्होंने पार्ट 2 में ही अक्षय को काफी मिस किया था, तो इस बार मेकर्स कार्तिक के साथ अक्षय कुमार को भी कास्ट कर सकते हैं या फिर उनका कोई छोटा सा कैमियो रोल बना सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमें फिल्म में शशिधर का किरदार भी देखने को मिल सकता है, जो मंजुलिका का वन एंड ओनली ट्रू लव था। लेकिन उसकी कहानी वही पुरानी नहीं होगी, उसे मॉडर्न जमाने के हिसाब से दिखाया जाएगा। जहां पार्ट 1 में ये दिखाया गया था कि ये एक बीमारी है और भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो वही पार्ट 2 में कोई साइंटिफिक एलिमेंट नहीं था और उसमें काला जादू और भूत साये जैसी बातों को सही बताया गया था। लेकिन इस बार फैंस को ये उम्मीद है कि इसमें साइंटिफिक एलिमेंट ऐड किया जाएगा। और फैंस को सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि ये फिल्म डरावनी होगी, क्योंकि पार्ट 1 में कुछ सीन्स ऐसे थे जहां सबको डर लगा था, लेकिन पार्ट 2 में ऐसा कोई खास डरावने सीन्स नहीं थे। इसीलिए उम्मीद है कि पार्ट 3 में लोगों को डर जरूर लगेगा। अब देखना ये होगा कि क्या फिल्म मेकर्स फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और कुछ नया ला पाते हैं या फिर नहीं। आपको इस पार्ट 3 से क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉली ब्रांड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।